जंजीर के लिए। क्रेप पकड़ो आप, अरे क्रेप बनवा दो। जो हम टीम प्लेयर की रही है अपने जंजीर कैंप में राजनीति में जा रहे हैं। ग्रेप पकड़ा दो भाई, ग्रेप नहीं रखो, ग्रेप एक ज्यादा एक कम है। ग्रेप देख ला, इजी है, ठीक है। जाओ जाओ होल्ड गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर गोइंग गुड। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आज है मंडे 13 सितंबर 2021 और वेलकम टू CSR व्लॉग्स एंड माय चैनल। तो एज यू नो कल से मैंने रनिंग स्टार्ट करी है और नाउ मैं अपना पार्टिसिपेट मतलब दो चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगा और शाम को कार्डियो वर्कआउट करूँगा। तो आज की जो वीडियो होगी वो खाली जिम के बेसिस पे होगी, मैं जिम जाऊंगा वही सब होगा, और फिर जो कल से जो वीडियो आएगी वो कार्डियो और उसके साथ दोनों आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो और मिलते हैं अभी जिम में। बस अभी ब्लैक कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, जूते वूते पहनते हैं, भाई को उठाते हैं और चलते हैं जिम। आज है मेरा चेस्ट और ट्राइसेप। सो एक्चुअली क्या हुआ था, कल मेरा कॉम्पिटिशन हुआ था और मैंने पहली बार कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है था और उसकी आपको क्लिप्स मिल जाएंगी। तो एक्चुअली वो चेस्ट बेंच प्रेस का कॉम्पिटिशन था। तो भाई यार, हम तो अभी नए नवेले बच्चे हैं और हमको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, तो मुझसे एक गलती हो गई थी। जैसे कि मैंने मेरा पहला अटैम्प 55 का था, मैंने उनको लिफ्ट अपनी बोली थी 55। तो मैंने चलो ऐसे ओके, मैं पहले इतना देखूँगा फिर बता दूँ उसके आगे। तो मैंने 55 बोली, 55 आसानी से उठ गई भाई, बहुत लिटरली बहुत आसान था। तो मैंने गलती क्या कर दी, मेरे को 10 बोलना था लेकिन मैंने 5 बोल दिया और मैंने यहाँ हट दिया। तो मैंने चलो फिर ठीक है, मैंने फिर वो आ गया 65 पे, तो दोनों सही से 5-5 बढ़ाना तो 65 आ गया। और फिर मैंने तीसरे में भी बेवकूफ़ी कर दी, 10 की बजाय 5 बोल दिया फिर से, इस मुझसे भाई बेवकूफ़ फ़ोन होगा भाई, वो छोड़ो। फिर चलो फिर मैंने 70 का परफॉर्म किया था, 75 का, और दैट वाज माय हाईएस्ट। और अब क्या बताएं, इतना ही था। तो बस इतनी क्लिप्स आपको मिल जाएगी, खाली पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट मिला था तो फोर्थ रैंक थी, क्योंकि मेरे तीनों लिफ्ट्स परफेक्ट गए थे लेकिन मेरे पास 2 लिफ्ट की वीडियो पड़ी हुई है और मेरे तीनों लिफ्ट्स बिल्कुल परफेक्ट गए थे। और बस जो मेरे हायर बच्चे थे जिनको ज़्यादा था, मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं, उनके 85-120 गए थे। एक बंदा का 120 था और दूसरे बंदे का 85 था और तीसरे बंदे का भी 85 था। तो उन दोनों में 85-85 पे कंपटीशन हुआ और देखा जिसका वेट ज़्यादा हुआ तो उसको निकाल के दूसरे वाले को विजेता कर दिया। एक का निकला 83 और एक का निकला 82, खाली 500 ग्राम का अंतर था, वो 82.5-83.5 ठीक है, खाली 500 ग्राम का अंतर था, पता नहीं क्या हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टॉयलेट जाके अपना फ्रेश होके आ गया तो उसका वेट कम हो गया और उसकी लगी पड़ी थी, उसने कुछ किया नहीं। वो भाई बंदा वाला, उसको पता चल गया था कि आगे कुछ होना नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अपना कार्डियो करना शुरू कर दिया। उसने अपना वहीं पे 10-15 मिनट थे हम लोग पूरे, तो उसने अपना कार्डियो करना शुरू कर दिया और वो वॉशरूम होया फ्रेश होके, तो उसका 800 ग्राम शायद से गिर गया था। तो भाई अब क्या होता है, उसकी वॉट लग गई, उसने कुछ किया ही नहीं तो दूसरे वाले बंदे ने। तो भाई फिर भी अच्छा हुआ, अच्छा था, मज़ा आ गया। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम और 2 महीने बाद आए थे आई गेस फिर से एक कॉम्पिटिशन है, तो उसकी मैं वीडियो भी बनाऊँगा। और अभी के लिए इतना, चलते हैं अब जिम। और अब मैं सोच रहा हूँ अपनी बेंच प्रेस इम्प्रूव करने की, जैसे कि मेरा हाईएस्ट है 75 अभी, तो आई गो फॉर 80 and 85 नाउ। तो चलते हैं, मुझे 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर 85 या 90 पहुँचना ही पहुँचना है।
सो चलते हैं। और मैं इस बार होल्ड RPM ट्रेनिंग करूँगा शायद से, RPM ही होती है ना, हाँ RPM होगी, तो देखते हैं होल्ड और फिर प्रेस उसकी ट्रेनिंग करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो चलते हैं जिम और वहीं मिलते हैं, बाय। सुबह उठने के फ़ायदा ही अलग है क्योंकि यार मतलब हर सुबह कुछ नया ही दिखता है, और आज भी मौसम बहुत अच्छा है तो आपको दिखाता हूँ। लिटरली बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है आज, बहुत ठंडी हवा चल रही है अच्छी खासी और अच्छा हुआ। तो बस अभी भाई उठा है, 5:30 हुआ है अभी, और हम लोग बस जिम के लिए निकल रहे हैं और बेसिकली को वॉक सब करवा दिया, बस अब जिम की बारी है, जिम निकलते हैं। और व्यू देखो आप लोग, बस कितना प्यारा लग रहा है यार, और कोई इफेक्ट नहीं है, एकदम नेचुरल। क्लाउड्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, सो तो बस अभी जिम के लिए निकलते हैं और वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। बस अभी चलो फिर जिम के लिए निकलते हैं। और देखो यार साले, एक तो इसकी बहुत परेशान करता है यहाँ पे, पता है मेरी चाची जो है वो प्लांट्स के बहुत शौकीन है, तो वो फ्लावर्स लगाती हैं, प्लांट्स लगाती हैं, और विस्की जब यहाँ पे आता है बालकनी में आता है तो सारे पौधे तोड़ देता है। उसने तो पिछले बार एक बार मग भी तोड़ दिया था, इतना प्यारा मग था, ये देखो अभी दिखा दूँ इसको, तो पूरा गंजा ही कर दिया इसने, जब आता है इसको देख रहा क्या हालत कर दिया। लेकिन भाई जो भी है नुकसान बहुत कराते हैं ये लोग यार, चलो जो भी है ठीक है। चलो हम लोग जिम निकलते हैं, उसकी बात तो अलग ही होगी, हम लोग जिम निकलते हैं, बहुत वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। सो लेट्स गो, बाय, मिल जिम में ही मिलते हैं, ठीक है भाई। सो बस जिम आ चुका है, वी आर एट द जिम नाउ, पर चलते हैं देखते कौन कौन आया है आज। गाना अच्छा चल रहा है भाई, गाड़ी में जा रहे हैं स्कूटी में, क्यों क्यों तो आई जस्ट रीच्ड होम एंड अभी नाश्ता वाश्ता करूँगा
तो आई जस्ट एंड दिस ब्लॉग नाउ, तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एज मेरे को अभी इसको एडिट करके डालना भी है और फिर नए ब्लॉग की स्टार्ट भी करनी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं कार्डियो शाम को शूट करूँगा और फिर वहीं से ब्लॉग कंटिन्यू होके सुबह वहीं से फिर जिम तक, ठीक है। तो ये मेरा पर डे ब्लॉग होगा अब से। तो होप यू लाइक द ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक द ब्लॉग डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और क्या मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक सेफ इट और क्या बोले, हाँ जो करना है करो यार, एक ही जिंदगी है भाई, क्योंकि सब कुछ करो, सब कुछ ट्राई करो, क्या पता अफसोस हो बाद में, और जो भी करो शिद्दत से करो, अच्छे से करो। टिल देन चलो बाय, और कल के ब्लॉग में मिलते हैं, सत श्री अकाल सबनों, मिलते हैं सबनों, सब हो गए, सब फाइन हो गए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन बाय, टाटा।